में कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं, और पढ़े कहाँ है सर? जो दिक्कत आएगा पढ़ेंगे तब दिक्कत होगा, है ना। आज शुरू करेंगे, आज शुरू करेंगे श्वसन शुरू करने वाले हैं। श्वसन और श्वासोच्छ्वास, गैसों का आदान प्रदान। चलो श्वसन क्यों करते हैं? श्वसन मने समझ में आता है ना, सांस लेना और छोड़ना, है ना, वही श्वसन हो गया, ठीक है। और फिर तब एक शब्द और है तुम्हारा, चैप्टर जो शुरू हुआ है उसमें हेडिंग दिया है श्वासोच्छ्वास। श्वसन का मतलब अगर, हाँ, जब श्वसन का मतलब अगर सांस छोड़ना और सांस लेना है तो श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या होगा? बस एनसीईआरटी जिसके पास है वो भाई निकालो, देखो हेडिंग में दिया हुआ है, कंटेंट में भी देखो कंटेंट। तो फिर भाई श्वसन और स्वच्छा श्वासोच्छ्वास में अंतर क्या है? तो अब हम बोलते हैं, तो पहले हम लोग श्वासोच्छ्वास को देखते हैं। श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या है? श्वासोच्छ्वास का मतलब है सांस लेना और छोड़ना। हम लोग सांस लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, है ना, सांस लेना और छोड़ना, यही दोनों जो है वो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है मुख्य रूप से, ठीक है। साफ बंद करो ना, हम खाली बोलेंगे। साफ बंद करो माइक, अपना अपना माइक साफ बंद करो। तो कह रहे हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना, है ना। तो सांस लेना और छोड़ना में क्या अंतर है? क्या अंतर नहीं, हम अंतर देख रहे थे श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर देख रहे थे। तो श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या होता है? सांस को लेना और सांस को छोड़ना। हम लोग पढ़े हैं कि यह जो है निःश्वसन और निःश्वसन, है ना, दो शब्द है निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन ये दो शब्द है। निःश्वसन में क्या है कि सांस को हम लोग क्या करते हैं? अंदर लेते हैं, और निःश्वसन में हम लोग क्या करते हैं? सांस को छोड़ते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। संक्षेप में हम लोग समझ गए कि सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाएगा? श्वासोच्छ्वास कहलाएगा। तो श्वसन क्या, श्वसन क्यों जरूरी है? श्वसन हम लोग क्यों करते हैं? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, बस इतना याद रखना। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वासोच्छ्वास का श्वसन से अभी लेना देना नहीं। श्वासोच्छ्वास का मतलब सांस लेना और छोड़ना, यह है, और बस इतना ही है। लेकिन श्वसन एक ऊर्जा निर्माण, जानेंगे कि श्वसन जो है वो क्या है? एक ऊर्जा बनाने वाली प्रक्रिया है। श्वसन के द्वारा जीवों के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, यही श्वसन का महत्व। तो यह जरूरी नहीं है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध हो, ठीक है। श्वसन के लिए जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन उपलब्ध हो, ऊर्जा का निर्माण होना है। ऊर्जा का निर्माण बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए श्वसन के बारे में हमको एक ही चीज याद रखना है कि श्वसन जो है ऊर्जा निर्माणकारी प्रक्रिया है, ठीक है। श्वासोच्छ्वास में सिर्फ सांस लेना और छोड़ना, इतना ही सम्मिलित है, लेकिन श्वसन में क्या है? तो यह एक ऊर्जा निर्माणकारी प्रक्रिया है, और इस ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया जो है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति दोनों में संभव। अब इस कैसे भाई? तो कैसे? तो देखो तुम कोयला, ये क्या कहते हैं, हलवाई का दुकान देख,
हाँ पहले जो बता रहे हैं उसको देखना है, फिर कंफ्यूजन। पहले श्वसन और श्वाचोश्वास। हाँ भाई, तो हम लोग ब्रीथिंग को श्वाचोश्वास बोले और रेस्पायरेशन को श्वसन बोले, ठीक है। ब्रीथिंग माने सांस लेना और छोड़ना, बस ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना और छोड़ना, इसके अलावा और कुछ नहीं। श्वसन का मतलब ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया, यह जब भी करेगा तो क्या करेगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा। अब हम उदाहरण दे रहे थे कि श्वसन एक दहन है ना, श्वसन क्या है, एक दहन है। मतलब क्या, तो जिस तरह से दहन के समय हमें क्या होता है कि कोई चीज को जलाते हैं और ऊर्जा के रूप में ताप मुक्त होता है, उसी तरह से श्वसन की प्रक्रिया जब पूर्ण होती है तो उसमें ऊर्जा के रूप में कुछ दूसरा रसायन का निर्माण होता है, और उस रसायन को हम लोग एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इतना समझ में आया। अब देखो कि श्वसन कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है और बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है। तो जैसे एक हलवाई का दुकान, और यह भी कहे कि श्वसन जो है दहन की जैसी प्रक्रिया है, जिस तरह से दहन में कोई चीज को हम लोग जलाते हैं, और हम लोग बहुत सारा विधि भी पढ़ते आए हैं 9वां 10वां 8वां में कि बहुत सारा कचरा को हम लोग जो जलाते थे वह बिना ऑक्सीजन के ही हम उसको जला देते थे, बंद कमरे में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जला देते थे। तो यानी कि जलने का काम बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है। अंतर यही है कि अगर किसी चीज को जलाएंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो ऊर्जा जो है वह कम निकलेगा, तापमान जो है वह कम निकलेगा। जैसे कि एक हलवाई का दुकान है, सुबह सुबह का समय है, ग्राहक का भीड़ कम है, कोयला का चूल्हा जला हुआ है, धुआं दे रहा है, लेकिन जैसे ही 10 वो कस्टमर पहुंचा वैसे ही हलवाई को क्या देखते हैं, एक वो पंखा लाया और नीचे लगा दिया है चूल्हा के नीचे। बात समझ में आ रहा है कि चूल्हा के नीचे वो पंखा ला करके लगा दिया और तुरंत ही देखा कि ताव लाने के लिए। संक्षेप में हम क्या कहें कि उसके वजह से उसका ताव आ गया, तापमान में वृद्धि हो गई। क्यों आया तापमान में वृद्धि, तो जैसे ही नीचे पंखा लगाया वैसे ही हर कोयला के पास ऑक्सीजन पहुंचने लगा। जब हर कोयला के पास ऑक्सीजन पहुंचने लगा तो हर कोयला जो है पूर्णतः जलने लगा, बढ़िया से जलने लगा, और जब बढ़िया से जला तो तापमान में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। यानी कि ऑक्सीजन की उपलब्धता को हम लोग बनाए तो दहन तेजी से होने लगा और तापमान में वृद्धि हो गई, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा। बात समझ में आ गया। तो जिस तरह से हमारा कोयला जल करके हमको ऊर्जा दे रहा था, जिससे कि हलवाई का सिंघाड़ा या जलेबी या कचौड़ी जो भी था वो बन रहा था, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर या जीवों के शरीर के अंदर भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज जलता है, ठीक है, ग्लूकोज का जलना तय है। लेकिन यहां पर हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज जलता है इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज जल रहा है तो इसे ऑक्सीकरण कहे, है ना। और जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे, है ना, कार्बन का ही अपरूप ग्लूकोज भी है, ग्लूकोज भी क्या है, कार्बन से ही बना हुआ है, तो उस तरह से ग्लूकोज जब हमारे शरीर में जलेगा तो ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा होगा। यहाँ तो तापमान नहीं मुक्त होगा, तापमान के जगह पर ऊर्जा अणु एटीपी का निर्माण होगा, है ना, तापमान के जगह पर ऊर्जा अणु एटीपी का निर्माण होगा। तो ऐसा भी होता है कि हमारे शरीर में यह ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के भी कभी कभी जल जाता है। जब हमारे शरीर में यह ऑक्सीजन के बिना जलता है तो ऊर्जा जो बनना था तय सीमा से काफी कम ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यह हमारे शरीर में बिना ऑक्सीजन के कब वो जलेगा, तो बिना ऑक्सीजन के तब जलता है जब हम दौड़ रहे होते हैं, काफी हैवी वर्क कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं या दौड़ रहे होते। संक्षेप में देखो कि दौड़ते हैं जब तो क्या होता है
कि हमारा मुंह भी खुल जाता है, नाक तो खुला हुआ है, और उसके बावजूद भी हम बेचैन रहते हैं, लगता है दम फूल रहा है, सांस छूट रहा है, हवा और तेजी से ले ले, और तेजी से ले ले। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर के बारे में जानते हैं कि हमारे कोशिका अंग जो है ऊर्जा के रूप में एटीपी को ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर ऊर्जा के रूप में एटीपी को ग्रहण करते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि हमारे शरीर में एटीपी ऊर्जा अणु तो जरूर है, लेकिन हमारा शरीर के पास यह क्षमता नहीं है कि जिस तरह से ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है, वैसे ही एटीपी को स्टोर करके रखे। एटीपी एक ऐसा चीज है कि जब जरूरत होगा तभी यह बनता है, दो चार दस ठोरा खा सकता है, लेकिन एक आध लाख दस बीस लाख एटीपी को बना करके वो नहीं रख सकता है हमारा शरीर, है ना। तो इसको हर क्षण बनाना पड़ेगा। तो जब हम दौड़ रहे थे उस समय हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा अणु एटीपी की आवश्यकता काफी ज्यादा हो गई थी, लेकिन शरीर में स्टोर नहीं था और हमें ऊर्जा की जरूरत के कारण बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन खींचने की कोशिश कर रहा था नाक हमारा, जगह छोटा, उतना ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा था, इस वजह से एटीपी कम बन पा रहा था और हम बेचैन हो रहे थे। उस बेचैनी को हमारे शरीर के अंदर जो उत्तक मौजूद है वो समझ रहे थे, और समझते हुए एक फैसला ले लेते हैं। क्या? तो ऐसा करते हैं कि कुछ ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के ही तोड़ के देखते हैं, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन को, वो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के ही तोड़ने लगते हैं। और जब बिना ऑक्सीजन को उसको तोड़ते हैं तो बिना ऑक्सीजन के बढ़िया से तो ग्लूकोज जल नहीं पाएगा, तो जब बढ़िया से जल नहीं पाएगा तो ऊर्जा भी कम निकलेगा। ऐसे अगर हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज बढ़िया से ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक ग्लूकोज अगर जलता तो 38 एटीपी का निर्माण होता। लेकिन यहां पर कंडीशन दूसरा है, जिंदा रहना है कोशिकाओं, अगर ऊर्जा अणु नहीं मिलेगा तो कोशिकाएं मरने लगेगी, हमारा शरीर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इस व्यवस्था से बचने के लिए वह ग्लूकोज को जैसे तैसे तोड़ देते हैं और मात्र 2 एटीपी बन पाता है एक ग्लूकोज से, कहां 38 और कहां 2 एटीपी, यानी कि ग्लूकोज भी अधजला है एकदम, है ना, बढ़िया से जल नहीं पाया है, ढेर सारा कार्बन उसमें रह गया है। तो यह जो कार्बन रह गया है वह लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर दे। और ये लैक्टिक अम्ल उस समय कहां बने थे, तो अभी बताया कि उत्तक प्रयास किया था, तो उत्तक के प्रयास के फलस्वरूप हमारी मांसपेशियों में यह लैक्टिक अम्ल जम जाता है। हमारे शरीर का चीज तो है नहीं, बेकार का बन गया है, तो इसके हमारे कोशिकाओं के अंदर, हमारे उत्तकों के अंदर जमा होने के वजह से हमारा शरीर थक जाता है, शिथिल पड़ने लगता है, ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, तो हमें यह थकान देता है। बात समझ में आया? यह हमारे शरीर को क्या कर देता है, थका देता है। यह जो लैक्टिक अम्ल बना किसके वजह से, तो जब ऑक्सीजन हमको उपलब्ध नहीं हो पाया तो इस तरह के श्वसन को जहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूट जाए और एटीपी का निर्माण करे उसे अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। इस तरह के श्वसन को अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। और अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटे तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यह अनऑक्सी और ऑक्सी को हम लोग देखें, समझ में आया दोनों? इसके बाद, अभी नहीं बोलना है, इसके बाद बहुत सारे छोटे जीव हैं, जैसे कि जीवाणु है, इष्ट है, ये सब जीव ऐसा है कि 38 एटीपी का इसको जरूरत ही नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत भी एटीपी बन जाएगा तो उसके शरीर के जितने सारे कोशिका अंग है वो ठीक से काम कर लेंगे, उनकी ऊर्जा की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। तो इसलिए बहुत सारे जीवाणु और इष्ट जो है वह अनऑक्सी श्वसन को ही संपन्न करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत उनको नहीं होते हैं और वो बिना ऑक्सीजन के ही जिंदा रहने में सक्षम होते हैं।
तो अगर हमारे शरीर में ऑक्सीश्वसन होता था तो फॉर्मूला है कि 6C6H12O6 + 6O2 प्रतिक्रिया की टूटे तो 6 अणु जल, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन वही हमारे शरीर के अंदर अगर अनऑक्सीश्वसन हुआ तो 2 अणु एटीपी, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि यह जो जीवाणु है वो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहने में सक्षम है, तो उनके अंदर अगर ग्लूकोज की का विघटन होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो यह इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल का निर्माण करते हैं, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल का निर्माण करते हैं। और हम लोग इसका लाभ उठाते हुए अल्कोहलिक पेय पदार्थ का निर्माण इस या जीवाणु की सहायता से करते हैं, शराब का निर्माण होता है, बेकरी उत्पाद बनाया जाता है, केक है और भी बहुत सारा चीज हम लोग इसकी सहायता से कर लेते हैं, है ना। लेकिन वह अपनी प्रक्रिया के लिए इसको किया था। इसके बाद हमारे शरीर में जो लैक्टिक अम्ल बना था, है ना, इसलिए देखते हैं कि कोई काम हम लोग करते हैं दौड़ते हुए या परेशान हो करके तो काफी थक जाते हैं और थकने के बाद यह लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में जमा हो गया तो थके थे, इसी के वजह से कभी कभी मांसपेशियों में ऐठन, दर्द जैसा भी शिकायत होता है, मसल्स क्रैम्प इसको कहते हैं। और जैसे ही आदमी आराम करता है तो यह लैक्टिक अम्ल वापस CO2 और जल में टूट जाता है, तो आराम करने के बाद हम लोग तो ताजा महसूस करते हैं इसी वजह से, क्योंकि हमारे शरीर का लैक्टिक अम्ल विघटित हो गया। ऐसे भी हम लोग दिन भर जो काम करते हैं उस समय हमारे ऑक्सीजन की पूरी की पूर्ति हो नहीं पाती और बहुत सारा ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के भी टूटते रहता है सामान्यतः भी, तो वह भी हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल बनाते रहता है। इसलिए शाम होते होते रात होते होते हम थकान का अनुभव करते हैं, नींद आती है, सोते हैं तो फिर तरोताजा, यानी कि लैक्टिक अम्ल फिर से डिग्रेड हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, अब बोलो। अब बोलो, समझ में आया? सब रख के सो गए कि सो गई थी सब? ठीक है, क्लियर है एकदम। और दूसरा चीज की नोट्स भी, हाँ, अनुपम लगता है सूत गई है क्योंकि अभी तक नहीं बोली है। हाँ, नहीं है वो। समझ में आ गया, क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स इसका चला गया है अभी। हाँ, तो डाइजेशन अभी तक नहीं लिखे हैं सर, है ना। हाँ तो बढ़िया, तुम्हारे लिए बढ़िया, नहीं लिखे, अरे नहीं लिखती है तो प्रिंट आउट निकलवा लो, अगर बचना चाहती है तो प्रिंट आउट पीडीएफ है ये पे। बा तब तो तब मत निकलवाओ। नहीं नहीं निकलवा लो, हमको तरोताजा रखने के लिए एक और काम करना पड़ेगा कि भजन होने के लिए क्या चाहिए, दान चाहिए, है ना। तो अपने अपने तरफ से एक ही आदमी दान दिया है, बाकी आदमी दान विहीन है, है ना। दान करने से धन 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 की वृद्धि होती है, दान हमेशा करना चाहिए, और शिक्षक और डॉक्टर को मुंह मांगा दान करना चाहिए। ठीक है, अभी तो जैसे दोनों व्यवस्था है, या तो कोचिंग पर एक आदमी पहुंच के और नए तो ऑनलाइन, दोनों व्यवस्था है। हाँ, जैसे सुविधा लगे उस दिन बता देना है कि हम आएंगे कोचिंग पर, तो उस दिन ले लेंगे आके। नहीं खुल जाएगा, ऑनलाइन खुलेगा, अभी नहीं खुलेगा, 3-4-5 के बाद,
5 के बाद शुरू कर देंगे वो भी क्लास। भाई जब तक सरकार कह दे क्या कर रहे हैं सनकवा में, तो स्थिति बड़ी खराब है, बहुत खराब है। अभी तो जान पहचान वाला का मृत्यु हो रहा है। अब पहले तो सब सुनते थे कि यार कहाँ कोई मरा था अगला साल, लेकिन इस साल तो लग रहा है कि सब जान पहचान वाला। तो इसीलिए डर लग रहा है भाई। कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लास एकदम देख रही है कितना स्मूथली चल रहा है, समझ में आ ही रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ चलते रहेगा। देखो जब हम भी तो चाहेंगे खोलना ही चाहेंगे, सब कोई चाहेगा जब तक सब क्लियर नहीं हो जाए। तो इस तरह से इतना दूर हम लोग पढ़े, अब आगे चलते हैं। दोनों चीज क्लियर हो गया कि श्वसन जो है किसमें कैसे होगा, ऑक्सी अनऑक्सी। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि अलग अलग जीव को हम लोग पृथ्वी पर देखते हैं। तो अलग अलग जीव में क्या देखते हैं? मछली जो है नाक से सांस लेती है ना, मेढक जो है मुंह से सांस लेता है, उसी तरह से क्या बोलना है कुछ ठीक है। हाँ तो सबसे पहला मनुष्य को देखते हैं, बंद करो माइक। तो मनुष्य में जो है श्वसन का अंग जो है वह फेफड़ा है ना। फेफड़ा के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारे वक्ष गुहा में एक साइड इधर और एक साइड जो है इधर हमारा फेफड़ा मौजूद होता है, लेफ्ट और राइट दो फेफड़ा मौजूद है ना। तो पूछेगा कि फेफड़ा किस तरह के जीवों में पाया जाता है? स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप वर्ग जो है वो सांस के लिए फेफड़े का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मछली जो है श्वसन जो है वो किससे करती है? गलफड़ा से करती है ना। और गलफड़ा को क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। गिल्स की रचना को हम लोग देखे हैं कि दोनों तरफ जो है उसका एक ढक्कन लगा रहता है मुंह पर, उस ढक्कन को अपर कुलम कहा जाता है, अपर कुलम, ठीक है। उस ढक्कन का नाम है अपर कुलम और उसके अंदर गिल्स पाया जाता है जो फ्लैप में बटा हुआ होता है, लगता है ढेर सारा लोब में, तो किसी में 5 लोब किसी में 8 लोब, इस तरह से गलफड़ा होता है। और गलफड़ा करता क्या है कि पानी घुसा है ना, पानी टकराता है और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उस ऑक्सीजन को विसरण विधि के द्वारा अवशोषित कर लेता है। विसरण, साधारण विसरण। साधारण विसरण में हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है ना। कोई भी पदार्थ अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, यानी कि गिल्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो वह क्या करेगा? उसको खींच लेगा। दूसरा हम लोग एक पढ़े थे पराशरण। पराशरण में 2 गो बताए थे। एक पराशरण में बताए थे कि कोई भी पदार्थ अपने अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति, और एक रिवर्स ऑस्मोसिस बताए थे। तो उसमें क्या था कि अगर सांद्रता जल में कम है और फेफड़े में ज्यादा है, फिर भी जल से वह ऑक्सीजन को खींच लेगा, है ना। यहाँ पर ऊर्जा का खर्चा होगा लेकिन वह ऑक्सीजन को क्या करेगा? खींच लेने का काम करेगा। तो इस तरह से पराशरण और विसरण विधि के द्वारा मछली जो है गलफड़े से सांस लेगी, ठीक है। उसके बाद केचुआ को देखते हैं, अर्थवर्म जिसे कहते हैं। तो अर्थवर्म जो है वह कैसा होता है? तो अर्थवर्म का चमड़ी को अगर हम लोग देखते हैं, स्किन को देखते हैं, तो वह म्यूकस से लेपित होता है, घिरा हुआ होता है। म्यूकस चिपचिपा आवरण है और जैसे ही हवा का संपर्क उस म्यूकस से होता है तो वही जैसे मछली में देखे विसरण और पराशरण विधि के द्वारा अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ऑक्सीजन की गति हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी तरह से अस्किन से बाहर बाह्य वातावरण में मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से केचुआ सांस लेता है। केचुआ का श्वसन अंग नम त्वचा, फेफड़े का श्वसन अंग गिल्स, सॉरी मछली का श्वसन अंग गिल्स है ना, मनुष्य का सारा स्तनधारी सरीसृप और पक्षी, ये तीनों का श्वसन अंग जो हो गया वह क्या हो गया? तो फेफड़ा हो गया, है ना। इसके अलावा हमारा मेढक है कि मेढक, मेढक थोड़ा विचित्र प्राणी है, हम इसको कहते हैं उभयचर कहते हैं,
उभयचर इसीलिए करते हैं कि जल या और अस्थि दोनों पर यह सामान्य रूप से जीवन को जी लेता है। जल पर, जल में अगर यह रहता है तो इसके लिए केंचुए की तरह ही गतिविधि होती है, यानी कि इसका त्वचा अगर मेंढक छूने का मौका मिले, है ना, तो देखते हैं कि वह पूरा चिपचिपा चटचट होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी म्यूकस का आवरण होता है, और उसी तरह से यह भींगी त्वचा से सांस ले लेता है, जल में घुले हुए ऑक्सीजन को खींच लेता है। जबकि अगर यह स्थल पर होता है तो उसके पास भी हमारी तरह से दो ठोन नॉस्ट्रिल होता है और उसी के द्वारा वह सांस लेता है। मेंढक, मेंढक के बच्चे को जो अंडा से तुरंत फूट के निकला है, अंडा ही देता है मेंढक, तो अंडा से फूट के निकला है उसको लार्वा कहते हैं। लार्वा जो है उसका एक खास नाम दिया गया है, उसको टैडपोल लार्वा कहते हैं। यह टैडपोल लार्वा अगर हमको मछली अगर हम लोग खाते हैं, छोटा मछली का शौकीन है, तो छोटा मछली के साथ अगर भूंज करके दे दे तो हम अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि मछली खा रहे हैं कि मेंढक का बच्चा खा रहे हैं। तो इससे यह भी पुष्टि होती है कि मेंढक का विकास जो है वह मछली से ही हुआ है, है ना। यह विकास बता रहा है कि मेंढक का विकास किससे हुआ है, मछली से हुआ है, क्योंकि आज भी उसके पास उस तरह का अंग मौजूद है, यानी कि गिल्स, है ना। मेंढक का बच्चा जो है, लार्वा जो है, टैडपोल जो है, वह श्वसन जो करेगा वह गिल्स के द्वारा करेगा। जैसे ही मेंढक के बच्चे में यानी कि टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस कायांतरण या रूपांतरण की प्रक्रिया संपन्न होगी, वैसे ही मेंढक का बच्चा बदल जाएगा वयस्क में और गिल्स परिवर्तित हो जाता है फेफड़े में, ठीक है। तो इस तरह से मेंढक सांस लेगा। अब हम लोग देखते हैं किसको, तो देखते हैं कीट को। तो कीट में श्वसन अंग के लिए, जैसे ये एक कीट है, इस कीट को अगर देखें तो कीट के शरीर के बीचों बीच इस तरह से एक नली होती है, शरीर के अंदर के दिखा रहे हैं। तो इस शरीर के अंदर एक पतली सी नली होती है, मोटी सी नली होती है, और इस नली से ढेर सारा पतला पतला ऐसे बाहर से जुड़ा हुआ पतला पतला और नली होता है, बाहर में छिद्र है और इस तरह से यह इससे जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, यह मोटा नली जो हम लोग देख रहे हैं, इस नली को ट्रैकिया कहते हैं। इस मोटा नली को हिंदी में भी लिखेंगे वही ट्रैकिया, और इस नली को अस्पायरेकल कहते हैं, इस नली को अस्पायरेकल कहते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों का नाक है, उसी तरह से ये वाला हिस्सा इसका नाक है। तो हमारा तो दो, हाँ अभी सुनते जाना है। तो ये जो है छोटा छोटा जो होल देख रहे हैं, ये शरीर के निचले हिस्से में दिखाएं, तो निचले हिस्से में स्पायरेकल मौजूद है, मैंने उसमें ढेर सारा नाक, और नाक से हवा जो है वह कहाँ पहुंचेगा, अंदर जाएगा, अंदर इस नली में, मोटा नली में हवा भर जाएगा। अब पूरा शरीर के विभिन्न अंगों तक अगर हवा को पहुंचाने का बात है, तो यह ट्रैकिया विसरण विधि के द्वारा पूरे शरीर को हवा पहुंचाएगा। श्वसन छिद्र जो हो गया वह इसका क्या है, स्पायरेकल, लेकिन श्वसन अंग का नाम लिखना है तो वह ट्रैकिया। श्वसन छिद्र स्पायरेकल, लेकिन श्वसन अंग जो है वह ट्रैकिया। जैसे हम लोग श्वसन अंग में नाक नहीं लिखते हैं, हम लोग फेफड़ा लिखते हैं, उसी तरह से इसके नाक को स्पायरेकल कहा जाता है और फेफड़े को ट्रैकिया कहा जाता है। हमारे में भी विसरण होता है, लेकिन इसका विसरण अलग तरीके, डायरेक्ट विसरित होकर के यह पूरे शरीर में हवा हर जगह पहुंच जाएगी और कीट में श्वसन का काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कीट जो है सांस लेता है। क्या कर रहे हैं, तो कीट में श्वसन इस तरह से होता है, ठीक है। अब जब हम लोग के कोशिका के अंदर श्वसन कहां संपन्न होगा, श्वासोच्छ्वास के लिए हमारा कौन जिम्मेवार है, श्वासोच्छ्वास जो करते हैं, तो श्वासोच्छ्वास में हमारा नाक और फेफड़ा सम्मिलित है। हवा को लेना और छोड़ना, इसमें दो ही अंग का महत्व है, एक तो हमारे नाक का और दूसरा नाक से लेकर के फेफड़ा तक का जो अंग है उसका काम है। लेकिन श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन में नाक और फेफड़े का कोई योगदान ही, क्योंकि श्वसन जब भी संपन्न होगा तो कोशिकीय स्तर में संपन्न होगा,
कोशिका के अंदर संपन्न होगा। और कोशिका के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कोशिका के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हम बता चुके हैं कथी में, सेल वाला हमने बताया तो फिर से है ना, तो हम लोग देख चुके हैं कि सबसे पहले जो है यह कोशिका है, कोशिका के अंदर जो है हमारा ग्लूकोज घुसता है, और ग्लूकोज जब यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पर ग्लूकोज टूट जाता है, और टूट करके क्या बना लेता है, पाइरूवेट का निर्माण कर लेता है, पाइरूवेट बना लेगा, और पाइरूवेट जो है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, और इसके अंदर ही ग्लूकोज का ये पाइरूवेट अंदर जाएगा और ऑक्सीजन, यह दोनों तब इसका ऑक्सीडेशन होगा, तब जाकर के ऊर्जा का निर्माण होगा, नहीं तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में ही टूट जाता है और दो एटीपी बनाता है। हमारे शरीर में भी तो कोशिका के द्रव्य में ही एटीपी बनता है, याद रखना, जब अनऑक्सीशोषण हो रहा है तो, ऑक्सीशोषण होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे अंदर जो है श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कहना क्या था हमको, भूला गया, जो भी है तो श्वसन, हाँ श्वसन बोल रहे थे, श्वसन के बारे में बता दिए कि श्वसन जब भी होगा तो कोशिकीय स्तर पर होगा, कोशिका के अंदर होगा, ऊर्जा जब भी बनेगा तो कोशिका के अंदर बनेगा, या तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या फिर कोशिका द्रव्य में, दो में से कहीं बनेगा। यह निर्भर करता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति है या ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर नहीं रहेगा तो कोशिका द्रव्य के अंदर यह टूटेगा, ठीक है। उसके बाद इस नोट्स को लिखना शुरू कर दो, क्योंकि आगे पढ़ाएंगे तो नोट्स रहेगा तो अच्छा रहेगा, जितना लिख सकती है उतना लिखते चल जाओ। तो फार्मूला तो बता ही दिए हैं कोशिका का, उसके बाद आगे इसमें से कुछ पूछ लो, पहले कुछ पूछना है इतना दूर में, खुशी पहले ऑन करेगी कि कुछ पूछना है तो बोलो, क्लियर है एकदम, हाँ किसका फॉर्मूला, श्वसन का फॉर्मूला लिखना है, श्वसन का समीकरण लिखे, श्वसन का समीकरण क्या लिखे, तब उसके बाद उसके बाद 6CO2 6H2O 38 ATP, तीर के निशान के ऊपर हम O2 का प्रेजेंस देंगे, अगर O2 का अब्सेंस देंगे तो 2 ATP लिखेंगे अंतिम में, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 2 ATP है ना, और अगर फिर जीवाणु वगैरह में रहेगा तो जीवाणु वगैरह में क्या कर देंगे, यहाँ इथेनॉल का फॉर्मेशन कर देंगे, जल बना करके कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पर जो इथेनॉल लिख देंगे, मनुष्य में लैक्टिक अम्ल लिख देंगे, है ना, इस तरह से बनेगा। तो ये है हमारा, उसके बाद अब चलते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं, देखो यहाँ समीकरण लिखा हुआ है, एगो का तीनों का जगह छोड़ दिए हैं, तीनों के लिखने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी तो यही समीकरण लिखना है, ये वाला, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो यहाँ चेंज करेंगे एटीपी को, 2 ATP कर देंगे वहां, इस तरह से। उसके बाद मनुष्य में हम लोगों को श्वसन को पढ़ना है, तो मनुष्य में श्वसन के लिए क्या है, इस चार्ट को देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पहले 2 बाह्य नासिका छिद्र है, 2 नासिका वेश्म है, फैरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, ट्रेकिया आगे चल करके बट रहा है किसमें, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, ब्रोंकियोल्स, ये सारा भाग में ही बट रहा है। उसके बाद सबसे पहले श्वसन, हाँ
हाँ, कल हो सकता है। उसके बाद है देखो कि सबसे पहले हमारा क्या है, ये दोनों जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये तो पूरा जो है इसको क्या कहेंगे, नोज कहेंगे, पूरा हिस्सा को नाक कहा जाता है। और ये बाहर से जो छिद्र दिखाई दे रहा है, इस दो छिद्र को बाह्य नासिका छिद्र कहा जाता है, इसको बाह्य नासिका छिद्र कहा जाता है, या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं इसको, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या नायर्स कहा जाएगा, या NARES, नायर्स कहा जाएगा। उसके बाद क्या है कि ये देखो फैलाए, तो जितना दूर फैला सकते थे हम, जो फैलाए दिख रहा है ना अभी, देखो कैसे नॉर्मल है, तो जितना दूर हम फैला रहे हैं उतना दूर का हिस्सा नासिका वेश्म कहलाता है, उतना दूर का हिस्सा नासिका वेश्म कहलाता है। और ये दोनों नासिका वेश्म जो है बीच में ये वाला हिस्सा जो है कार्टिलेज से बना हुआ, देख रहे हैं इसको मोड़ दे रहे हैं, है ना, तो ये उपास्थि से बना हुआ नासा पट्टिका के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है। इसको अलग करने के लिए नासिका पट्टी बीच में मौजूद है, ये इसको क्या करती है, अलग करने का काम करती है। उसके बाद आगे जो बढ़ते हैं अंदर की ओर, जहां से हड्डी हम लोगों को दिख रहा है, वहां से आगे का हिस्सा जो है नेजल पैसेज कहलाता है ना। यह नेजल चैम्बर जो फुला सकते थे वो नेजल चैम्बर कहलाया, और आगे का हिस्सा जो है वो नेजल पैसेज कहलाए, रास्ता है वो, पाथवे है जो अंदर तक जाएगा, यह अंदर जाएगा और यहां पर जाकर के ये खुलेगा इस हिस्सा में, अंदर में। तो इस हिस्सा को तो हम लोग पहले ही पढ़े थे कि इसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, है ना, इसको क्या कहेंगे, फेरिंग्स कहेंगे, है ना, ये वाला हिस्सा जहां पर है तो ये क्या कहलाएगा, फेरिंग्स कहलाएगा। फेरिंग्स के बारे में जानते हैं कि फेरिंग्स एक कॉमन जगह है जहां से हमारा फूड पाइप और विंड पाइप शुरू होता है, माउथ का अंतिम हिस्सा जहां से फूड पाइप और विंड पाइप शुरू होगा उसको फेरिंग्स या ग्रसनी कहते हैं, फेरिंग्स या ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है फेरिंग्स को अगर देखे तो फेरिंग्स आगे चल करके तीन भाग में बढ़ता है, एक को कहते हैं नेजो फेरिंग्स जो नाक से के हिस्से को अंदर तक ले जाता है, उसके बाद है नेजो फेरिंग्स के बाद एक मुंह वाला को ले जाएगा, ओरो फेरिंग्स कहेंगे। नेजो फेरिंग्स से आगे चल करके बदल जाता है किसमें, लैरिंगो फेरिंग्स में, जिसको स्वर यंत्र ग्रसनी कहते हैं, वॉइस बॉक्स यहाँ रहता है हमारा, क्या वॉइस बॉक्स रहता है जिससे आवाज की उत्पत्ति होती है, ठीक है, और वॉइस बॉक्स को ही स्वर यंत्र भी कहते हैं, है ना। तो ये हो गया, तो वॉइस बॉक्स जो है हमारा जहां आवाज बनता है वह नली भी उपास्थि की बनी हुई होती है ना, उसका दीवार भी उपास्थि का। और पुरुषों में क्या होता है कि वॉइस बॉक्स का अगला हिस्सा बाहर निकल जाता है, तो उसको एडम एप्पल कहते हैं, है ना, एडम एप्पल कहते हैं, जिसको कहते हैं कंठ फूटना, है ना, तो वो वाला हिस्सा जो है बाहर निकलता है, प्यूबर्टी आने पर, युवा अवस्था आने पर वह जो है बाहर की ओर निकल जाता है। जैसे ही हमारा ये जो लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स खत्म हुआ, उसके बाद का नली जो है उसको ट्रेकिया कहते हैं, जो पूरी तरह से ऊपर ऐसे नली है और इस नली पर अर्धचंद्राकार आकार में उपास्थि, यही नाक जिससे बना हुआ था, कान जिससे बना हुआ था, उसी से बना हुआ अर्धचंद्राकार 20 रिंग पाए जाते हैं, 20 पट्टी पाई जाती है, आधा आधा चांद का ऐसे ऐसे, एगो इधर से लगा है तो एगो इस साइड से लगेगा, फिर एगो इधर से लगा है तो फिर इस साइड से लगेगा, मतलब ये नली है तो नली में एक साइड से अभी आधा चांद इधर लगा है तो आधा चांद इधर लगेगा, है ना, इस तरह से ये जुड़ता है। और ट्रैकिया के ऊपर 20 उपास्थि की बनी हुई पट्टी होती है, ठीक है, और यह पट्टी जो है इस नली को हवा नहीं भी रहने पर सिकुड़ने से बचाने का काम करता है, ये रहता है तो क्या होता है, नली सिकुड़ता जल्दी नहीं है, है ना, इससे हमारा रास्ता हवा का बना रहे, सांस लेने में कभी भी कठिनाई नहीं हो। यह ट्रैकिया, ये नली जो है वो कंठ द्वार के बाद जो है यह क्या कहलाएगा, ट्रैकिया कहलाएगा, यह आगे चलेगा, आगे जाने के बाद यह बट जाएगा, ऐसे ऐसे यहां से नली आया, यहां से दो भाग में बट रहा है, तो ये दो भाग में जो पहली बार बटा है उसको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, फोटो दिखाएंगे समझ में और आएगा,
प्राइमरी ब्रोंकाई है ना, प्राथमिक श्वसनीय, यहां से जो बटा नली आया यहां से दो भाग में बट गया, तो इसको प्राइमरी ब्रोंकाई या प्राथमिक श्वसनीय कहते हैं। फिर ये बटा, फिर यहां तक आया, फिर यहां से ये ऐसे बट गया दो भाग को कहते हैं द्वितीयक श्वसनिका, सेकेंडरी ब्रोंकाई। द्वितीयक फिर जो है इस तरह से फिर बट जाएगा, तो इसको कहेंगे तृतीयक ब्रोंकाई या तृतीयक श्वसनिका। उसके बाद ही ढेर सारा छोटा छोटा महीन महीने बट जाएगा, तो उसको कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। उसको क्या कहा जाएगा? ब्रोंक्यूल्स कहा जाएगा। वो काफी पतला पतला महीन महीन होता है और ब्रोंक्यूल से ही हमारा थैली, हवा की थैली जुटी हुई रहती है, जिसको वायु थैली, वायु कोष्टिका है ना कहते हैं, और जो हम लोग नाक से सांस लेते हैं अंततः उसी थैली में जाकर के जमा रहे। हमारे शरीर में इस थैली की संख्या की बात करो तो संख्या तो गिन नहीं सकते हैं, लेकिन पूरा अगर रकबा बताने के लिए कहा जाए कि कितना क्षेत्रफल को घेरेगा तो यह लगभग 400 से 800 वर्ग फीट सतह का निर्माण कर सकता है। मैंने सारा वायु थैली, हमारे लंग्स के अंदर जो थैली है हवा लेने के लिए गुब्बारा जो है, उस गुब्बारा को अगर खोल करके पसार दिया जाए तो 400 से 800 वर्ग फीट सतह को घेर ले। काफी लंबा चौड़ा है, इतना ही जान लो कि लंग्स में कस के ले लिए सांस है ना, तो लगभग 5 से 6 लीटर हवा को हम अंदर रख सकते हैं। हमारे हिसाब से, शरीर के हिसाब से अधिकतम 6 लीटर है, तो हवा को हम लोग अंदर रख सकते हैं। तो इतना हवा अंदर जाएगा कहाँ? अगर क्षेत्रफल रहेगा तभी ना जाएगा। तो वह क्षेत्रफल का निर्माण जो कौन करता है? वायु कोश, एयर सैक या वायु थैली जिसको कहते हैं है ना, गुब्बारा जिसको कहते हैं, हमारे लंग्स का गुब्बारा। अगर मांस के शौकीन है, अगर खा रहे हैं मांस है ना, अगर यह आ जाएगा तो इसको हम लोग चबाते रह जाएंगे, चबेगा नहीं, अंतिम में निगल जाते हैं है ना। तो ये क्या है? क्योंकि इसके अंदर हवा वाला सा थैली है, वो पूरा कार्टिलेज वगैरह हर जगह मौजूद है, इस वजह से वो चबाने में समस्या होती है और इसको निगलना पड़ता है। तो ये हमारा लंग्स है। लंग्स को अगर हम लोग फेफड़े को अगर पूरा देखें, फेफड़ा क्या है? फेफड़ा एक कवर मात्र है, और सारा डिजाइन जो है वह काम जो है वो एल्वियोलाई का। तुमसे पूछ भी सकता है कि प्राथमिक स्थल श्वसन का प्राथमिक स्थल कौन है, प्राइमरी साइट ऑफ रेस्पायरेशन, तो प्राइमरी साइट जो है वह क्या है? एल्वियोलाई। सारा हवा को पहुंचना कहाँ है? एल्वियोलाई के अंदर पहुंचना है, वायु थैली के अंदर पहुंचना है। तो वायु थैली काफी इंपॉर्टेंट है और यही हमारे हवा का संग्रहण करता है, हवा सारा जो है यही जाकर के पहुंचता है। ठीक है, हमारा फेफड़ा बस एक ढक्कन मात्र है और इस ढक्कन के अंदर ही हमारा सारा वायु थैली मौजूद। अगर पूरा फेफड़ा को निकालेंगे तो देखने में कैसा होगा? रेडिश ब्राउन, लाल भूरा रंग का ये दिखाई देता है, और दबाएंगे तो पूरी तरह से यह स्पंजी होता है, दब जाता है, फैल जाता है, दब जाता है ना, इस तरह से फेफड़ा होता है। याद रखना है कि हमारा बायां फेफड़ा दो लोब पाली में बटा हुआ होता है, दायां फेफड़ा 3 लोब या पाली में बटा हुआ होता है, और फेफड़े के पास यहां पर एक हड्डी है। हम जानते हैं कि हमारा फेफड़ा कहाँ है, तो हमारे वक्षगुहा। हम बता चुके हैं कि यहां से लेके यहां तक का हिस्सा जो है, जहां तक हड्डी हमारा अंत है, हाथ घुसा के देख सकते हैं कि यहाँ वाला हड्डी अंत है, तो यहां से लेकर के यहां तक का पूरा हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा? वक्षगुहा कहलाता है। और वक्षगुहा का निर्माण जो है वह किससे होता है? तो 12 जोड़ी पसलियों से होता है। हमारा वक्षगुहा कुल 12 जोड़ी पसलियों से मिल करके बना हुआ है। वक्षगुहा का निर्माण 12 जोड़ी पसली से, 2 जोड़ी अंतिम का 2 जोड़ी जो होता है वह फ्लोएटिंग रिब्स कहलाता है, पसली को रिब कहते हैं, तो 2 जोड़ी जो होता है वह फ्लोएटिंग रिब्स कहलाता है, क्योंकि इसका एक हिस्सा तो आगे से जुड़ा हुआ है लेकिन पीछे जाकर के वो जुड़ता ही नहीं है ना, तो वो फ्री होता है, इस वजह से उसको फ्लोएटिंग रिब्स कहते हैं। आगे जो है यह रिब्स जो है आगे बीच में हमारी एक हड्डी होती है, बीचों बीच एक हड्डी होती है, इस हड्डी को अस्टर्नम कहते हैं, STERNUM, अस्टर्नम, इस हड्डी को अस्टर्नम कहते हैं। और पसली पीछे जो है हमारा जो रीढ़ का हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम जिसे कहते हैं, उससे यह जुड़ा होता है। आगे अस्टर्नम से पूछेगा, आगे अस्टर्नम से और पीछे वर्टिब्रल
कॉलम से यह जुड़ा हुआ होता है ना। तो इस तरह से वक्ष गुहा का निर्माण होता है। उसके बाद ये वाला हड्डी देखो, है ना, न छू के देखना, ये वाला जो हमारा निकला हुआ है हड्डी, यह कॉलर बोन कहलाता है ना। यह क्या है, हमारा शरीर का कॉलर बनाने का काम करता है, इसलिए इसको कॉलर बोन कहते हैं। यह यहां से निकलता है, इस जगह से स्टर्नम के पास से निकलता है और यह आगे तक जाता है, तो यह कॉलर बोन कहलाता है। तो यह इतना हड्डियों का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, और हमारा फेफड़ा इसी वक्ष गुहा में रहता है। वक्ष गुहा इसलिए है कि हमारे फेफड़े को किसी भी तरह के डैमेज से बचाने का काम करता है वक्ष गुहा। यह है हमारा वक्ष गुहा, ठीक है। आप बोलो जो बोलना है, सब समझ में आया? इंटरेस्टिंग, चलो ठीक है। और बोलो क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है बीच में बोलो। बोलो खुशी, सब समझ। क्वेश्चन दिए थे कल है, सब बन गया है। हाँ सब व्हाट्सएप कर देना, चेक करेंगे सबका। सबको व्हाट्सएप करना है क्वेश्चन, तब ना पता चलेगा, तब ना चेक होगा तो होमवर्क हो रहा है कि नहीं। अब डांटा लेके घर पहुंचेंगे और क्या। क्वेश्चन बोलो, जो जो क्वेश्चन है। नहीं समझ, नहीं नहीं इधर समझ में आ गया सारा, आज वाला में, आज वाला ओरल वाला इतना था, अब कल से भरवल रहेगा, लिखना भी पड़ेगा। तो क्वेश्चन फिर देते हैं आज, बुला कुछ रिकॉर्डेड तो है, उसको देखना है, बनाना है, सुनना है, बनाना है, सुनना है, बनाना है। शुरू करें, पहले कल वाला बार बनाओ तो देते हैं, कल बनाओ ना, तब ना क्लियर हो जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बनाने से क्या होगा कि टोटल टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि नहीं कहीं समस्या अब नहीं है, और नहीं छुएगी तो लगेगा कि हाँ वो समस्या बन ले रह जाएगा बार बार। क्वेश्चन जरूर बना, बनाई हो जितना बनता है बनाना है, एकदम अंतर नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन हो रहा है कि ऑफलाइन हो रहा है, दोनों लगे कि सेम है एकदम। आने जाने का समय तो बचा था। आने जाने में परेशानी जो होता था वो बच गया। चलो ठीक है, तब खत्म करते हैं कल के लिए। अब पढ़ के रखना, जहां समस्या रहेगा खोज के रखना है, नोट सही है, अभी तक शादी खत्म नहीं हुआ है ना। बहुत ज्यादा बहुत बहुत स्थिति खराब है, मर ही रहा है रोज, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है रोज, एक दो जा रहा है।
नहीं अगला साल तो कुछ, अगला साल कुछ था ही नहीं, इस बार ज्यादा है, इस बार ज्यादा है, इस बार लोकल स्तर पर है, जान पहचान वाला सब जा रहा है, तो बच के ही रहना है, अभी पहचानना भी नहीं है, अभी पहचान भी नहीं रखना है मैंने मिलना नहीं है अभी जा, हाँ चलो ठीक है तब तो। ठीक।